वो जिसे तुम नावारसों की तरह अस्पताल में छोड़ के आ गई थी, या फिर वो जिसे तुम दूसरी शादी करने के बाद मुड़ के तुमने एक बार नहीं देखा था, वो बेटी? मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करते हुए। मैं कोसती हूँ अपने आप को, मुझे अपने आप से घृणा आती है। तुम्हें ना मुंह के बल गिराऊंगा। हम ऐसा करते हैं, हम आलिया और तौकीर भाई के पास चले जाते हैं, वहां वहां कोई इल्हाम को हमारी बेटी को हमसे छीन नहीं पाएगा। नमाल प्लीज काम डाउन, जब तक हमारा केस चल रहा है हम यहाँ से नहीं जा सकते। हो कहा तुम? मैं आपको लोकेशन भेजने से पहुंच सकती हूं, आपका मेरी बेटी साथिया। मैंने शक्ल नहीं देख पाई ना, मैंने नंबर प्लेट फोन की, बस मैं शॉपिंग करके आ रही थी, बैग सी रख रही थी गाड़ी में, अचानक बाइक आके रुकी और वो ना हमको उठा के ले गए, मैं उन्हें नहीं रोक पाई था। देखिए ऐसी वारदातें अक्सर तावान के लिए की जाती हैं। कभी सब आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी पर शक है या कोई ऐसा जो ये सब कर सकता है? शक तो किसी पे नहीं है, ऐसी कोई दुश्मनी भी? हाँ हमजा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ हमजा ने किया है। हमजा ने? ये हमजा कौन है? हमजा हाशिम। हाशिम इनको कैसी ही हो? हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर है, मेरी एक्स वाइफ का हस्बैंड है। मेरी एक्स वाइफ से मेरी बेटी की कस्टडी का केस चल रहा है और हमजा उसे सपोर्ट कर रहा है। और उसने हमें धमकी भी दी थी कि वो हमें तंग करेगा, स्कूल से नहीं रहने देगा। मुझे पूरा यकीन है, उससे पूछेंगे वो आपको बता देगा कि इल्हाम किधर है। इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी जो कार्रवाई करनी है आप प्लीज करें, लेकिन जल्द से जल्द मेरी बेटी को बाजियाब करा लें। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँ। आप लोग तसल्ली रखें। मैं आईजी साहब को फोन करता हूँ, मेरे फादर के फ्रेंड हैं। आप लोग फिक्र ना करें, इल्हाम को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द वापस आ रही। साहब जी, एसएचओ साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। एसएचओ साहब ठीक है, उन्हें बिठाओ मैं आता हूं। जी अच्छा। जी एस एस साहब फरमाए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? कबीर साहब को तो आप जानते ही होंगे, आज दिन में उनकी बच्ची का किडनैप हो गया। क्या? What? कि इल्हाम की बात कर रहे हैं आप? जी, कबीर साहब की एक ही तो बेटी है, इल्हाम ही उसका नाम है। हमजा मेरी बेटी, वो मुझे पता था वो लोग कभी उसका ख्याल नहीं रख सकेंगे, इसीलिए तो कह रही थी उसको यहाँ ले आते अपने पास। कबीर साहब और उनकी मिसेज ने आप पर शक का इजहार किया। उनका कहना है कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। वन इसी सिलसिले में मुझे आपका तावन दरकार है, कुछ पूछताछ करनी है आपसे। जी जरूर, लेकिन क्या वो लोग पागल हो गए? हम पे क्यों शक कर रहे हैं? लगता है बच्ची के अगवा होने की वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया, बदहवास हो गए वो लोग। भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? आपका उनके साथ उसी बच्ची की कस्टडी के लिए केस चल रहा है, क्या ये सही है?
जी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इससे क्या साबित होता है कि हमने बच्ची को अगवा किया, बल्कि हम तो खुद उसको अपने पास लाना चाहते हैं इस घर में, और आप कह रहे हैं कि हमने उसे अगवा किया। देखिए ये तो हमारी ड्यूटी है, एक मासूम जिंदगी का सवाल है। देखें आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको उसको जाकर ढूंढना चाहिए, केस हमने उन पे किया हुआ इसीलिए वो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। हो सकता है कि हमें फंसवाने के लिए उन्होंने खुद अगवा कराया। देखें आप उनकी गेम समझ नहीं रहे, आप प्लीज जाएं, टाइम वेस्ट मत करें, हम लोग खुद बहुत परेशान हो गए खबर सुन के, आप जल्द से जल्द प्लीज उस बच्ची को बाजियाब कराने की कोशिश करें। और तफ्तीश हमसे नहीं, प्लीज उनसे जाके करें। ठीक है, थैंक यू। मेरी बच्ची, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं ना हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये पुलिस, पुलिस से आप क्यों आई है? तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? इल्हाम को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? क्यों? कब? आज दोपहर में हुआ है, एसएचओ साहब इसीलिए आए थे। और ये काम किसी और का नहीं, कबीर का है, ये उसी की चाल है। उसने जानबूझकर इल्हाम को अगवा करवाया ताकि हम पे प्रेशर डाल सके, हमें प्रेशराइज कर सके, लेकिन हम उसके प्रेशर में हरगिज नहीं आएंगे। हमजा कैसे बातें कर रहे हो? कबीर उसका बाप है, बाप किडनैप करेगा, कैसे बातें कर रहे हो तुम? मामा, कबीर और नवाल ने हम पे किडनैप का इल्जाम लगाया। जिस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर मैं इस घर में लाना चाहता हूँ, मैं उसे किडनैप करवाऊंगा। फलक, हम अभी उनकी तरफ चलते हैं। चलो। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? नहीं नहीं, मैं तो नहीं घबराया हुआ, पागल वागल हो गई हूँ। नहीं तो ये बच्ची कौन है? ये दोस्त की बेटी है, वो उसकी बीवी मर गई है ना, तो अकेला रहता है, तो ये मैं कहीं शहर से बाहर गया हुआ, तो कह रहा है जब तक मैं नहीं आ जाता तो उसका ख्याल रख लो। कौन सा दोस्त? आज से पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया किसी ऐसे दोस्त का। शेर खान, सच सच बताओ कौन है ये बच्ची और कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? राजीव बंदी, तुम भी हद करती हो, कहीं से उठाकर नहीं लाया। अरे ये दोस्त की बेटी है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, इसको ले जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो तुम इसको पकड़ो, उसको संभालो, मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूं। पकड़ो पकड़ो। कुछ पता चला मेरी बेटी का? सर आप प्लीज कुछ भी करें, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएं। क्या कह रहे हैं, कुछ पता चला? कोशिश कर। कबीर, मैंने आपसे कहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। अगर आपने मेरी मां नहीं होती तो आज हमारी बेटी हमारे पास होती। क्या पता था मुझे, क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा, हमारे सर पे इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी। हमजा ने मुझे कोर्ट में धमकी दी थी, उसने कहा था कि मैं बहुत तंग करूंगा, तड़पाऊंगा तुम्हें। मुझे बताए सबके पीछे उसका हाथ है, आप मेरी बात माने, मैं उसको उसके गिरेबान से पकड़ के पूछना चाहती हूँ कि वो आखिर हमारा क्यों कर रहा है ऐसा। गिरेबान तो मैं पकड़ूंगी तुम लोगों का। बताओ कहाँ है मेरी बेटी?
इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मुझे पता था तुम दोनों को तो एक दूसरे के नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरी बेटी का ख्याल कहां से रखते? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ तो क्या, ख्याल रखा होता तो वो गुम तो ना होती। ये सब तुम्हारे शौहर ने किया है, ऐसा क्यों नहीं गिरफ्तार पकड़ती? मैं जानती हूँ इसने नामों को ही छुपाया है, इसे पूछने से कान छुपाया है, इसके अलावा कोई ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। तुम क्या बकवास कर रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारी दुश्मनी तो हमारे साथ थी ना, फिर हमारी बेटी को क्यों बीच में लाए? वो तो मासूम है, मुझे सबकी सजा क्यों दे रहे हो? पीछे हटो। अगर मैं चाहूं ना अभी और इसी वक्त तुम दोनों पे इल्जाम के अगवा का केस कर सकता हूं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से तो मैं मार दूंगी तुम दोनों को। मेरे जिगर का टुकड़ा कैसे तुम लोग के पास छोड़कर चली गई? उसे अपने साथ ही ले जाती क्यों तुम लोग के भरोसे छोड़ा? कहाँ है मेरी बेटी? खुद बच्ची को छुपा के अगवा का ड्रामा कर रहे। क्या हम दोनों को बेवकूफ समझ के रखा तुम दोनों ने? पलक, ये दोनों हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं। तुम दोनों देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या। मैं इस बात को कोर्ट में उठाऊंगा कि तुम एक गैर जिम्मेदार बाप हो जो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। मैं फिर देखता हूं कि कोर्ट तुम्हें इल्हाम की कस्टडी कैसे देता। चलो फलक। क्या मतलब है इसका? कबीर, मैं आपसे पूछ रही हूं, हमजा क्या कह के गया, क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो जज के सामने ये बात रखेगा कि हम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते, हम गैर जिम्मेदार हैं और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। उससे क्या होगा फिर? जज फलक के हक में फैसला दे देगा। कुछ खा लें,
दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगे आप। कैसे खा लूं? मेरे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? पता नहीं मेरे बच्ची ने दूध भी पिया होगा या नहीं। कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी? तो किसी के हाथ से दूध पीनी पड़ती। आपने ऐसे जो साहब से बात की? की है, वही तसल्लियां दे रहे हैं, लेकिन उन तसल्लियों से दिल को कहां तसल्ली मिलती। यहां को कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हमारे पास वापस आ जाएगी। करवाओ उसे, इतना क्यों रो रही है? मैं दूध पिला रही हूँ उसे, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब से आई है मुसलसल रोती जा रही है। शेरखान तुमने उसे हाल आप करना बहुत गलत किए। मेरी बात मानो, अपने दोस्त को फोन करो और कहो उसे अपनी बेटी को लेकर जाए यहाँ से। अगर ये यहाँ रही तो बीमार हो जाएगी। वो शहर से बाहर गया है, कल आएगा। तुम बोलो तो सही ना उसे, कहो उसे ये बीमार हो जाएगी। कल से कुछ हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे, मान लो मेरी बात। करता हूँ फोन उसको, करता हूँ। हाँ शेर खान बोलो। साहब जी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है साहब जी। जब से आई है ना दूध पी रही है ना सो रही है, बस रोए जा रही है। बच्ची है, उसे प्यार से खिलाओ, खा लेगी। सुनो, बार बार मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। साहब जी, उसकी हालत ठीक नहीं है, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होता, जैसा कहा है वैसा करो, अभी वक्त नहीं आया। जब मैं कहूंगा तब छोड़ देना। लेकिन साहब जी, नहीं तुमने, जब तक मैं ना कहूं उसे अपने पास ही रखो, नहीं मरती वो। मैंने कहा था ना बहुत तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम दोनों को। तुम यहां पे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी,
कैसी बातें कर रहे हैं आप हमजा? मुझे लगा इहाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी, आप पुलिस वाले से बात करूंगी इसीलिए आ गई। हाँ उन्हीं की कॉल थी, वो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी मिल जाएगी। एक बात याद रखना आप लोग, अगर मुझे मेरी बच्ची ना मिली तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। और अगर तुम अपने इस पागलपन से बाज ना आई ना, तो हो सकता है मैं अपना फैसला बदल और ये केस वापस ले। इन बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, उसकी जान की हिफाजत फरमाएं, अपनी रहमत के सदके मेरी बेटी को इस मुश्किल से निकाल दे, उसे हमसे मिला दे। अल-गफूर अर-रहीम, मेरी दुआएं सुन ले अल्लाह ताला, मेरी दुआएं सुन ले। के भाई का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कबीर इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मैं किसी से बात करता कुछ करता यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें भाई, सब कुछ इतने अचानक से हो गया, हमें तो अपना होश नहीं है, सारा दिन गुजर गया उसे ढूंढते हुए। I'm sorry यार। देखो मुझे अंदाजा है कि तुम और नवाल किस अजियत से गुजर रहे हो, किस आजमाइश से गुजर रहे हो। I'm really sorry। खैर मुझे ये बताओ कि तुमने पुलिस में कंप्लेन की है, क्या कह रहे हैं वो लोग, कुछ किया है उन्होंने, कुछ बताया है? जी करवा दी है कंप्लेन, बस वही कह रहे हैं कि मुजरिम जल्दी पकड़े जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, DSP मेरा दोस्त है, मैं उसे खुद बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। ठीक है भाई। और मैं और आलिया आ रहे हैं, मैंने टिकट्स का बोल दिया, जैसी टिकट्स होंगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये आलिया नवाल से बात करना चाह रही है, उसकी बात करा दो। ओके खुदा हाफिज, टेक केयर। भाभी भाभी बात करें। लो हाँ नवाल, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है मैं आपको कभी जाने ना दे। आपने नाम की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगी, देखना। आलिया प्लीज दुआ करें कि मेरी बेटी मुझे सलामत मिल जाए, कुछ हुआ तो। आलिया मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। नवाल नवाल तुम मेरी जान, तुम तो इतनी बहादुर हो, संभालो खुद को प्लीज, कम ऑन, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मैं जानती हूँ इस वक्त एक तो तुम अकेली हो और इतनी बड़ी आजमाइश है तुम्हारे ऊपर, लेकिन देखो इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने आप को ही नहीं कबीर को भी संभालना है। यूं तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगा तो वो टूट जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ समझ रही हो ना?
Just stay strong, please, okay? अपना ख्याल रखो, कबीर का भी ख्याल रखना, और हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली दुआ कर रहे हैं। चलो अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आलिया क्या हो गया ऐसा? I don't know, जब याद है अफसा कितना मुश्किल वक्त था ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। Exactly यार, वो भी तो हमारी बेटी है ना इल्हाम भी। दिखाओ मुझे एक मिनट जरा, मैं उसको कॉल करता हूँ, DSP को। क्या वो पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ इस वक्त? अभी तो आए थे आप, थोड़ा आराम कर लें। नहीं नवाल, क्या आराम करूं, बच्ची नहीं है हमारे पास। मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। Okay, be careful. हमसा, वो कुछ पता चला मेरे इल्हाम का कहाँ है वो? फिक्र मत करो, मिल जाएगी तुम्हारी बेटी। हमसा इतना वक्त गुजर गया, पता नहीं पुलिस वाले भी कुछ कर रहे हैं या नहीं। अगर आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे पता चलेगा मेरी बेटी का कहाँ है मेरी बच्ची? कबीर और नवाज से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई, वो तो ऐसे सुकून से बैठे होंगे जैसे वो उनकी बेटी ही नहीं है। प्लीज आप कुछ करें ना, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, आप उनको जाकर प्रेशराइज करें, आप मेरी बच्ची ढूंढ के दें मुझे जहाँ मर्जी से। देखो मैं यहाँ फ्री नहीं बैठा हुआ, बहुत सारे काम है मुझे, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाके चुप जाओ अपने कमरे में बैठो, जब मुझे टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। खान उठो, शेर खान उठो। हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों तंग कर रही हो? मुझे लगता है बच्ची को ना बुखार हो गया है, उसका जिस्म बहुत गर्म महसूस हो रहा है मुझे, एक बार आकर देखो उसे। तो मैं क्या करूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे ये सब कुछ बता रही हो? जाके बुखार बुखार का सिरप पिला दो, खुद ही ठीक हो जाएगी, मुझे तंग मत करो। तंग ना करूँ शेर खान, बच्ची को अस्पताल लेकर चलो, डॉक्टर को दिखाओ उसे, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम, आकर देखो तो सही उसे। मैंने कहा ना तंग मत करो, जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। आने वाली हियरिंग पे आप इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि कबीर एक गैर जिम्मेदार शख्स है जो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। पहले एक बार बच्ची तो बाजियाब हो जाए, फिर देखिएगा। बच्ची बाजियाब हो जाएगी, मेरा मतलब है कि पुलिस अपना काम तो कर ही रही है ना, तो बच्ची मिल जाएगी। चले ठीक है, बस आप तैयारी करें, केस का फैसला अगली हियरिंग से आगे नहीं जाना चाहिए, चेक आपको मिल जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ओके okay.
जी बोले, कब है मीटिंग? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके। फहीम जी साहब, ड्राइवर से कहो मेरी जल्दी से गाड़ी निकाले। आपकी गाड़ी तो फलक भी मिले गई हूँ। क्यों, उनकी गाड़ी किधर है? उनकी गाड़ी वर्कशॉप आ गई। ठीक है जाओ। मैं हमजा हाशिम बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करानी है। सर आपकी गाड़ी किसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। अब तक क्या किया है आप लोगों ने? मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं मिली है? मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैंने तो अपनी पूरी टीम इसी काम पर ही लगाई हुई है। कोशिश कर रहे होते तो आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। आपको अंदाजा भी है कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मेरी बच्ची इतने दिनों से मेरी आंखों से दूर है, आप लोग क्यों नहीं ढूंढते हैं उसे? इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी और हम बहुत जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लेंगे। इन्हें गिरफ्तार करें, ये है असली मुजरिम। इन्होंने मेरी बेटी को गायब किया है, ये इन दोनों की मिलीभगत है ताकि मेरी बच्ची मुझ तक ना आ सके, वो मेरे पास ना रह सके। आप इनको हवालात में डालें, ये सच खुद ब खुद बताएंगे आपको। तुम होश में तो हो? क्या करने जा रही हो तुम? अगर हमने किडनैप करवाया होता तो हम मारे मारे क्यों फिर रहे होते तो ढूंढने के लिए? तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप लोग का एक ड्रामा है। दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, पुलिस को बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मुझे मेरी बच्ची बताएं, कहाँ है मेरी बच्ची? हमें इतना गिरा पर समझा हुआ है तुमने, हम तुम्हारी तरह नहीं है फलक। नवाज रहने दे, इससे बहस का कोई फायदा नहीं है। एक बात याद रखना आप लोग, अगर मुझे मेरी बच्ची ना मिली तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं ये लोग मुझसे। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कि मैं अपनी बच्ची को तुम लोगों के पास छोड़ गई, तुम लोगों के हवाले कर गई। पता नहीं किस साल में होगी मेरी बच्ची। वैसे हमजा खुद पर कंट्रोल रख। देखिए जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इतला कर देंगे। अब प्लीज अभी घर चले जाइए। गई थी तुम? पुलिस स्टेशन गई थी। जब मैंने मना किया था
कि मुझसे पूछे बगैर पुलिस स्टेशन मत जाना, तो फिर क्यों गई? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, या तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है कि बस मुंह उठाया और कहीं भी चल दी? परेशान हो गई थी मैं, आपसे भी तो कहा था कि मेरे साथ चले, मगर आपने मना कर दिया। मेरी बच्ची लापता है, किडनैप हो गई है, मुझे नहीं पता वो कहां है, किस हाल में, मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं, और अब तो मुझे ऐसी बातें सुना रहे जैसे मैं पता नहीं कौन सा गुनाह करके आई हूं। अच्छा, बहुत याद आ रही है बेटी, आज से पहले तो कभी नहीं आई। हमसा भी कैसी बातें कर रहे हैं? वही बेटी है ना जिसे तुम पैसों की खातिर रोता बिलकता अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़कर आ गई। और दोबारा कभी उसकी खबर भी नहीं ली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताया तो मैंने आपसे कि कभी ने जबरदस्ती साइन करवाए थे मुझसे। तुम क्या समझती हो, अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो मुझे कुछ पता नहीं है? फलक, तुम इतनी सीधी नहीं हो कि तुमसे कोई भी जबरदस्ती पेपर साइन करवा ले। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी से कर दो तो वो अलग बात है। I can't believe आप ये सब कुछ कह रहे हैं। यकीन है मुझे कि मेरे पीछे आंटी ने आपको पट्टियां पढ़ाई हैं। मामा का नाम मत लो, ये तुम्हारे अपने बोए हुए कांटे हैं जो तुम्हें अब तकलीफ दे रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि आप आंटी की बातों में आप। Shut up, just shut up. इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया है? फलक, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओ। ठीक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक माँ हूं, वो बच्ची मेरा हिस्सा है, कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे सुकून से बैठ जाऊं? और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, इसकी हकदार हूं मैं। मेरी छोड़े आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आप उसे यहां लाना चाहते हैं, मेरे साथ रहेगी वो। था, कहा था, क्योंकि तुम मुझे फोर्स कर रही थी। मेरी कोई इस बच्ची के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, वो मेरी औलाद ही कबीर की औलाद है। और एक बात तुम्हें क्लियर कर, आज के बाद मुझसे पूछे बगैर यूं कहीं बाहर चले जाना ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फलक, मेरी सोसाइटी में कुछ इज्जत है और उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, पर अगर तुम अपने इस पागलपन से बाज ना आई ना तो हो सकता है मैं अपना फैसला बदल और ये केस वापस ले। आप ऐसा नहीं कर सकते हमजा। फलक, मैं ऐसा कर सकता, हमजा हमजा ऐसे नहीं कर सकते आप। ओ साथिया तूने धोखा दिया।